क्यूँकी मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। संतरे बेचने वाले को राष्ट्रपति से मिला पद्मा श्री सम्मान। चलिए जानते हैं उनके बारे में। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गैस आप लोगों को पता ही होगा कि काफी सारे लोग बहुत ही ऐसा बेहतरीन काम कर जाते हैं जो कि सरकार की नजरों में जब आते हैं तब उनको काफी ज्यादा सम्मानित किया जाता है। आज हम लोग कर्नाटक के मैंगलुरु में रहने वाले हरेकला हजब्बा के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको एक्चुअली में पद्मश्री अवार्ड जो है वो पिछले साल ही मिल जाना चाहिए था, पर कोविड के चलते हुए हर एक चीज बंद पड़ी थी जिसके कारण उनको पिछले साल सम्मानित नहीं किया गया। पर इस साल जो है जैसे ही पद्मश्री अवार्ड मिल रहे थे वैसे ही इनको जो है वहां पर इनवाइट किया गया और वहां पर इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथ से जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि ये मैंगलुरु में जो है वो एक फल विक्रेता है, यानी कि फल बेचने का काम करते हैं और डेली का जो है ये 150 रुपीज कमाते हैं। इनकी आमदन जो है ये डेली की इतनी ही आमदन है और ये जो है ना तो पढ़े हुए हैं ना तो लिख सकते हैं। इन्होंने पढ़ाई नहीं की है जिसके चलते हुए जो है इनके गांव के जो बच्चे हैं उनको ये पढ़ाना चाहते थे। पहले इन्होंने अपनी जो भी कमाई होती थी उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो जमा करके मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने का काम करना शुरू किया और जो दूसरे वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ये बात कर चुके थे और उनसे मदद मांग चुके थे कि वहां के मौजूद बच्चों को वो पढ़ाई लिखाई सिखाए, जहां पर बच्चे जो है वहां पर पढ़ने के लिए आने लग गए। पर बच्चे काफी ज्यादा होने के कारण वहां की मस्जिद की जो जगह थी वो काफी ज्यादा कम पड़ने लग गई। उसके बाद जो है इन्होंने एक जमीन ली जहां पर इन्होंने स्कूल खोला और वहां पर स्कूल खोलने के बाद जो है बच्चे वहां पर पढ़ने लग गए। पर इनकी इतनी आमदन नहीं है जिसके कारण बच्चों में काफी ज्यादा चीजें मिल पाए, पढ़ाई का सामान और काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो कि उनको प्रॉपर चाहिए होती है। वो हर रोज 150 रुपीज कमाते हैं और उसी दौरान ही उसमें से ज्यादातर भाग्य जो है ज्यादातर पैसे जो है निकालते हैं वो स्कूल के बच्चों के लिए और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही कारण है कि उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है और उससे सम्मानित किया गया है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।